आपका पूरा नाम क्या है और आप पीछे से कौन से गांव के रहने वाले थे अविभाजित भारत के, और आपकी शिक्षा दीक्षा वहां पे कहां पर और कैसे हुई? मेरा नाम हरबख्श सिंह है जी, हरबख्श सिंह बख्शी। रहने वाले हम लोग मुल्तान जिला के थे, चक नंबर 104, और बाद में फिर हम लोग जलंधर आ गए। जलंधर हमारा बीपीओ मिठापुर नियर जलंधर, अब वो म्यूनसिपलिटी एरिया में आ गया। भाजी, जब ये दौर चला वहाँ आप लोगों का किस तरीके का बिजनेस था, और पापा जी आपके या और चाचा ताया जी वगैरह सब ले थे? आर्मी में थे वो, इंडियन नेशनल आर्मी में थे। फिर वो बाद में जब पाकिस्तान बना है तो वो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको पंजाब पुलिस में भर्ती कर दिया। तो हमने इमीडिएटली यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आए थे जलंधर, तो मेरे पिताजी पंजाब आर्मी पुलिस में थे। उन दिनों पर पी ए पी नई नई बनी थी, और हम लोग, मैं शिक्षा मिली कुछ तो पाकिस्तान में हुई हुई याद नहीं आ रहा कौन सा, मुल्तान के पास चक में मेरे साथ प्राइमरी स्कूल था, मास्टर थे हमारे मोहम्मद हुसैन, स्कूल पे जुलंदर में आ रहे। फिर वहाँ भी हाई स्कूल मैंने पास किया जुलंदर से, बाबा खालसा हाई स्कूल जलंधर। जब ये बंटवारे का शोर शराबा शुरू हुआ और वहाँ पे जिस तरीके का माहौल था दहशत का, तो वो भी आपके परिवार वालों ने सहन किया होगा या सब? हम लोग इमीडिएटली, पिताजी हमारे आर्मी भी थे, आर्मी में फटाफट उन्होंने गाड़ियों में हम लोग जलंधर आ गए। जलंधर आकर हमने जब जलंधर शहर में आग लगी, हमारे गांव के ऊपर भी मुसलमानों ने हमला कर दिया। रात को हम लोग बैठे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग 9-10 साल का था, तो मुसलमानों ने जरा हमला कर दिया, तो हमारे गांव वालों ने छत के ऊपर पत्थर रख दिए, वापस चले। फिर दूसरे दिन फिर आए, फिर हम लोगों ने उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, उनको मिल गया, पता चल गया भी ये लोग तैयार हैं, फिर वापस चले। ऐसे ऐसे मंजर देखे हैं। और बताइए भौजी, जो हालात थे, जैसे हालात हुए वहाँ पर, तो अपने परिवार में या कुछ आसपास आपके दोस्तों में कुछ ऐसी घटना हुई या बदसलूकी हुई औरतों के साथ या किसी के साथ जिसको लेकर के? कुछ आदमी लोग हमारे यहाँ पकड़ के मार दिए गए, हमारे भाई साहब थे वो मुसलमानों ने पकड़ लिया था उनको, पर वहाँ से वो थी बहुत तगड़ा आदमी था, वो भी पुलिस में थे, वो आए बहुत तगड़े थे, पुलिस में नहीं हुए थे, बाद में हुए, और वो तगड़ा था जवान जैसे आप हैं, तो वहाँ से मुझे छूट के भाग के घर आए। वो माहौल ख़राब था, एक जो पता थोड़ी था, वो मार के फेंक जाता था, कोई पूछता था, कोई किसी पे मुकदमा नहीं होता था, कोई किसी को कुछ नहीं होता था, ऐसा माहौल था। पता नहीं था भी जीते रहेंगे क्या नहीं करेंगे। फिर हमारा गांव पूरा सिखों का था, जलंधर में पास में एक गांव था अलीपुर, वो पूरा खाली हो गया, वो लोग पूरा घर छोड़ के भाग गए। लोगों ने फिर उजाग कुछ मकान घरों में जाकर कब्जा किया, बाद में कई कुछ खड़ा, माहौल तो बहुत खराब था। आपको क्या लगता था कि उस समय जो ये हालात ख़राब हुए और बहुत से लोगों के साथ थे, जब आप वहाँ से अपने इंडिया आ रहे होंगे आर्मी की गाड़ियों में, आपने रास्ते में कुछ ऐसा मंजर देखा जिसको देख करके आज भी दिल दहता है? वो आर्मी की वजह से हम लोग फंस गए, वो डांगे देखकर तलवारें लेके लोग खड़े थे, पर आर्मी को देख के वो पीछे भाग गए। फिर कहाँ, पेशावर में थे हम लोग, पेशावर से कैसे आए हम, फिर लाहौर आए, लाहौर से हम लोग अमृतसर आ गए, अमृतसर आया तो सांस आया। फिर हमारे पिताजी थे वो बहुत तगड़े थे, वहाँ आकर फिर वही हाल,
जब आपका वहाँ पर कुछ वो था क्या नाम, जितना भी प्रॉपर्टी होगी आपकी या आपका और भी कुछ घर बार होगा, खेती बाड़ी मिला, हमारी थोड़ी जमीन भी थी, मकान भी थे, वो उसके हमारे पास कागजात थे, वो जलंधर में आकर ऐसी कोई बात है मन में जो आप हमारे को बताना चाहें, आपके मन में, आपके यादों में? यादों में यही है बस, हम लोग कुछ नहीं पता था भी हम जीते रहेंगे, और कुछ लोगों ने ये क्या किया था, बच्चों को पंख ले जाते थे, उनको कुछ सुंघा देते थे, सुंघाने के बाद उनको ले जाते थे, हमारे हम लोग फिर स्कूल जाना बंद हो गया, साल भर हम लोग स्कूल नहीं गए डर के मारे, हालांकि वो पाकिस्तान वाले कुछ चले गए, फिर भी डर में यही था अभी कहीं पर फंस नहीं ला जाए, बहुत लोग बच्चों को पंख के ले गए वो, और क्या किया उन्होंने, आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी पांच जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।